इधर मंगलवार को पुंछ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इसके कारण चक्कादा बाग सेक्टर में एक पुल नदी में बह गया। आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव से पुंछ से रावलाकोट की तरफ बहने वाली नदी पर बना 70 मीटर लंबा पुल पूरी तरह से टूट गया, जिसे पुंछ शहर से जुड़े कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। अचानक से आई बाढ़ से लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और कई लोग वापस अपने घरों तक भी नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ सेना और पुलिस लोगों की मदद कर रही हैं, साथ ही लोगों को बाढ़ जैसे हालात से सतर्क रहने को भी कहा जा रहा है। मेरा नाम गौतम बनिया, मैं ओसी क्रीप हूँ। आप यहाँ पे अस्पताल में ये ब्रिज जो है 0.8 सेंटर का वाच हो गया, इसके लिए क्या कोई? आज करीब 4:30 बजे दिन में एक प्लेसमेंट है जिसमें इस ब्रिज का दो स्पान डैमेज हो गया है और अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी हो सकते हैं और डैमेज हो, अभी हम इसको वॉच कर रहे हैं और बाद में देखते हैं। इसमें उसके हिसाब से जो डैमेज होते हैं उसके हिसाब से बाद में कार्रवाई किया था। ये काफी हैवी था, करीब 4:30 बजे काफी बड़ा प्लेसमेंट है। अभी भी